तो ए टू अकाउंटिंग का सेल्फ कॉस्टिंग हमारा सवाल है मई जून 2031 का, और इसमें सारे वेरिएंसेस हमारे आ रहे हैं। तो पहले कहते हैं जी ए पार्ट में कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट फॉर अगस्त। बेटा इसमें हमने क्या बनाना है, हमने इसमें बनाना है जी ओरिजिनल बजट। ओरिजिनल बजट क्या होता है बेटा, इसमें डाटा बजटेड सारे का सारा यूज होता है, यानी बजटेड यूनिट्स एट बजटेड रेट, बजटेड यूनिट्स एट स्टैंडर्ड रेट। ओरिजिनल बजट में सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी बेटा, सेल्स। देखते हैं हमारी सेल्स कितनी है, सेल्स है जी एक्सपेक्टेड यूनिट सेलिंग प्राइस 82 है, और यूनिट्स जो हमारे हैं वो किधर दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं बजटेड आउटपुट एंड सेल्स यूनिट्स 4000 दिए हैं। मैं कर लूंगा सॉल्व इसको, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 82 कितना आता है ये, 32800। इसमें से लेस कर देंगे कि हम वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी माइनस कर सकते हैं आप। सबसे रिसेंटली की कंट्रीब्यूशन अप्रोच नहीं मांगी, इस मांगी होती तो मैं कंट्रीब्यूशन अप्रोच यूज करता, यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं है कंट्रीब्यूशन। ट्रैक मटेरियल आ जाएगा, ट्रैक लेबर आ जाएगा, देखते हैं 4000 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 4, क्योंकि 5 किलो लग रहे हैं ना मटेरियल एक यूनिट पर, और 4 उसकी कॉस्ट है, तो हम निकाल लेंगे मटेरियल कितना आ जाएगा आपका, 4000 × 5 × 4 आएगी 80,000। डायरेक्ट लेबर जो है वो आपकी आ जाएगी 4000 × 3 × 12 आवर्स, उसमें 3 लग रहे हैं एक यूनिट पर, और कॉस्ट जो उसकी है वो 12 है, 4000 × 3 × 12 जी 144,000। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट लेबर के बाद, फिक्स्ड ओवरहेड, वो भी कितना आ जाएगा बेटा 4000 × 3, क्योंकि आवर्स उस हिसाब से लग रहे हैं ना आपके, आवर्स हमारे उस हिसाब से लग रहे हैं, लेकिन उसने हमें दी भी है 42,000, हम उसका रेट भी फाइंड कर लेंगे आसानी के साथ। तो देखिए 42,000 रेट निकालने कितना आ रहा है ना, एक बारह नहीं आता, 4000 × 3 × 4 आप करेंगे ना तो आपकी बजटेड फिक्स कॉस्ट निकलती है, इसका आप टोटल करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और ये बोल कैसे है, वही उसने कहा था कि जो डायरेक्ट लेबर आवर सर ये नहीं 48 आ गया, 48,000 आ गया। नहीं 48,000 आ रहा है, 42,000 को डिवाइड करें ना 12,000 से, तो सर 3.5 है। 3.5 है, नहीं यार 12,000 है ना, 4 नहीं आ सकते, 3.5 है, टोटल करें से कितना आ रहा है, 42,000 प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा जी, 62,000 ये वाला आ गया ओरिजिनल प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो अरे भी 3.5 करते हैं ये तो आना। यार, ये 4000 यूनिट से, और 3 जो है ना यूनिट 3 आवर लग रहे हैं एक यूनिट पर, तो 4000 × 3 जब मैं करूंगा ना तो मेरे पास ओवरहेड के आवर्स आ जाएंगे 12,000, तो 42,000 की अमाउंट मेरे पास पहले से दी हुई थी ओवरहेड कॉस्ट की, बजटेड फिक्स कॉस्ट की, 42,000 को डिवाइड कर दूंगा मैं 12,000 से, मेरे पास रेट आ जाएगा 3.5, ये 42,000 की अमाउंट पहले से दी हुई थी। इन्फॉर्मेशन में कहते हैं एक्चुअल आउटपुट एंड सेल्स फॉर अगस्त वाज 4300 यूनिट्स सेलिंग फॉर 80 पर यूनिट, एक्चुअल कॉस्ट फॉर अगस्त दी हुई है आपको, डायरेक्ट मटेरियल इतने किलोज लग रहे हैं, डायरेक्ट लेबर भी दी हुई है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट भी दी हुई है, कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर अगस्त बना लेते हैं। अब हमने क्या बनाना है जी, एक्चुअल बजट वो बना लेते हैं, सारी कॉस्ट ही है ना, है सॉरी ऑन सेलिंग कॉस्ट, वो तो सेलिंग प्राइस से कहाँ दी क्या हो गया, अच्छा सबसे पहले इसमें सेल्स आपकी आ जाएंगी जी, और
सेल्स जो हमारी हैं अब वो है 4300 यूनिट्स। 1 यूनिट कितने का बेटा? पेटी का। एंड क्या आता है? थ्री डबल फोर ट्रिपल जीरो क्या आता है? ट्रिपल जीरो। इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर आपका आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, फिर फिक्स्ड ओवरहेड आपके आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल इसमें कितना लग रहा है देखते हैं हम। अच्छा, हम जो है ना वो डायरेक्ट मटेरियल सब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि अमाउंट दे रही है ना। डायरेक्ट मटेरियल के अमाउंट दे रही है, लेबर की भी दी हुई है, फिक्स की भी दी हुई है, तो डायरेक्ट लिख लें। लेकिन हमने रेट्स भी निकाल लेते हैं, समझ आ जाएगा। हमें बजटेड में रेट निकालने पड़ते हैं, हम इसमें भी निकाल देते हैं, यूज्ड हो जाएगा। तो 227909571 8 को डिवाइड करेंगे 22790 से, ठीक है ना? ये कितना आ रहा है? 95। एक नंबर का तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है? वैसे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बताने के लिए, इसका डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस पर किलो कैसे निकालेंगे। 95718 डिवाइड बाय 22790, और एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल किलोस कितने के साथ निकालेंगे? 22790 डिवाइड बाय 4300। इसी तरह लेबर के अंदर लेबर रेट पर आवर किस तरह निकालेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 16050 को 12040 से, तो रेट पर आवर आ जाएगा। और अगर आवर निकाल लिया आपने तो एक यूनिट में कितने आवर लग रहे हैं, तो 12040 को डिवाइड करेंगे 4300 आवर्स पर यूनिट भी आ जाएंगे, तो फिक्स में वही लगेंगे। खैर, अभी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 95718, और फिर क्या है ये 15060। ये 15060 है। इसी बड़ा किया था मैंने, तो थोड़ा ये आपका आ जाएगा जी 95718, फिर 15050, और ओवरहेड्स है हमारे 3600 टोटल कर लें। टू एट नाइन एट वन एट माइनस कर दें, आपका एक्चुअल पॉकेट बैलेंस निकल आएगा 5418 2। अच्छा, अब मैंने आपको बताना था बेटा कि एक्चुअल प्रॉफिट और ओरिजिनल प्रॉफिट में जो डिफरेंस होता है, ओरिजिनल और एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है, ठीक है जी? नहीं, ओरिजिनल और फ्लेक्स में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ यूनिट्स का, यानी वॉल्यूम का। और फ्लेक्स से, फ्लेक्स और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है वो होता है रेट, इसमें यूनिट सेम होती है। खैर, अब वो कहता है क्या है, कहता है जी कैलकुलेट द फॉलोइंग, कहता है जी सेल्स प्राइस वेरियंस आपने जो है वो फाइंड करना, ठीक है जी? हम निकाल लेते हैं सेल्स प्राइस वेरियंस। बेटा ये 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद करने दो, क्योंकि मैंने